बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 7.6 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन है, अ लाइट हाउस इज 150 मीटर अबव द सी लेवल, एंगल ऑफ डिफ्रेशन ऑफ अ बोट फ्रॉम इट्स टॉप इज 60 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना ज़रूरी है, इसके लिए अब हम एक फिगर ड्रा करते हैं। हमारे पास गिवन है कि एक लाइट हाउस है और इसकी लेंथ जो है वो 150 मीटर है। तो फर्ज करें ये हमारे पास लाइट हाउस है और इसकी लेंथ जो है वो हमारे पास 150 मीटर है और इसको मैं ए बी का नाम देता हूँ। ए बी लाइट हाउस को मैंने ए बी का नाम दिया है, लाइट हाउस। को मैंने ए बी का नाम दिया। अब हमारे पास गिवन है कि यहाँ पर एक बोट है और फर्ज करें यहाँ पर हमारे पास बोट है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मीन्स यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री बनता है। अगर यहाँ पर 60 डिग्री एंगल हो तो यहाँ पर भी हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये भी हमारे पास 60 हो जाएगा। मीन्स अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 है तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारे पास 60 होगा। और यहाँ पर मैं इस बोट वाली जगह को मैं सी का नाम देता हूँ। हमने फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द बोट एंड द लाइट हाउस। ये हमारे पास लाइट हाउस है और यहाँ पर बोट है, ये हमने फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ बी सी। हम बी सी फाइंड करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा ये लाइट हाउस और बोट के दरमियान। तो हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास ये गिवन है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज गिवन है 150 मीटर जो कि लेंथ ऑफ लाइट हाउस है। इसकी तरह हमारे पास ये बेस जो है हमने फाइंड करना है और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगल हमारे पास गिवन है 60 डिग्री। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साइन, कॉस और टेंजेंट में ऐसे रेशो लेंगे जिसमें हमारे पास ये परपेंडिकुलर और बेस मौजूद हो। तो हमारे पास टेंजेंट थीटा में परपेंडिकुलर और बेस मौजूद होता है। एज वी हैव टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। और यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है हमारे पास बी सी। सो टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 150 बाय बेस है हमारे पास जो हमने फाइंड करना है बी सी। टेंजेंट 60 फाइंड करते हैं पहले, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास बराबर है टेंजेंट 60 डिग्री के, सो इज इक्वल टू 150 बाय बी सी। बी सी हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 मौजूद होता है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू बी सी इज इक्वल टू 150 इंटू 1 इज इक्वल टू 150। बोथ साइड को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड कर लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बी सी और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू 150 और स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो ये दोनों कट जाएंगे। सो बी सी इज इक्वल टू 150 को हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई 3, 53 जार 150 आता है और स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसी तरह इस 3 को हम लिख सकते हैं 50 मल्टीप्लाई बाई, इस 3 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, और डिनोमिनेटर में भी है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये हमारे पास बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो इसीलिए मैंने 3 की जगह दो दफ़ा स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख लिया, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कट जाएगा। सो बी सी हमारे पास बराबर हो जाएगा 50 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और यूनिट है हमारे पास मीटर, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।